बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट फ्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। एवरीथिंग रिलेटेड टू मैटर, इवन द एनर्जी चेंजेस विच मैटर में अंडरगो, इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ साइंस विच वी कॉल्ड एज केमिस्ट्री। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर एनी मटेरियल सब्सटेंस विद मास एंड वॉल्यूम। बेसिकली हर वो चीज़ जिसका मास और वॉल्यूम होगा वो मैटर कहलाएगा, मतलब कि वो मादा कहलाएगा। What is mass and volume? Mass is the quantity of matter and volume is the space occupied by our body. Quantity of matter से मुराद होता है मकदार। किसी भी मैटर की मकदार मास कहलाएगी और वो जितनी जगह घेरेगा वो उसका वॉल्यूम कहलाएगी। सो इट मीन्स मैटर इज़ एनी थिंग दैट इज़ मास एंड वॉल्यूम। हर वो चीज़ जिसकी कोई मकदार होगी और वो कोई जगह घेरेगा वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा मैटर। हमारे गिर्दोपेश, इन आर सराउंडिंग, एवरीथिंग इज़ मैटर। वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट, दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड इज़ एनी थिंग दैट हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। व्हाट डज इट मीन? मीन्स दैट इसकी शक्ल और इसका वॉल्यूम दोनों के दोनों फिक्स्ड होने चाहिए, चेंज नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? सॉलिड, ठोस। किसी भी ठोस चीज़ को कहा जाता है सॉलिड। सो कोई भी चीज़ जिसकी शेप जैसी है वैसी ही रहे, सो इट मीन्स दैट इट्स शेप इज़ फिक्स्ड, सो इट इज़ कॉल्ड एज सॉलिड। एंड इट्स वॉल्यूम इज़ अनचेंजेबल, सो इट मीन्स दैट इट इज़ सॉलिड। हर सॉलिड की शेप और उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। देन लिक्विड। लिक्विड हैज़ इनडेफिनिट शेप एंड बट डेफिनेट वॉल्यूम। व्हाट डज इट मीन इनडेफिनिट शेप? इनडेफिनिट शेप मीन्स इट टेक अप द शेप ऑफ अ कंटेनर। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ वाटर इन अ ग्लास। इफ़ यू पोर वाटर इन अ ग्लास, इट टेक द शेप ऑफ दैट ग्लास। इफ़ यू पोर द सेम वाटर इन अ बॉटल, इट टेक्स अप द शेप ऑफ दैट बॉटल। इट मीन्स दैट वाटर विच इज़ अ लिक्विड कैन टेक अप द शेप वेयर एवर इट इज़ पोर्ड। सो इट मीन्स इट हैज़ इनडेफिनिट शेप, इसकी कोई अपनी शक्ल नहीं होती। जिस चीज़ में आप उसे डालेंगे वो उस चीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बट इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। सपोज दैट इफ़ यू हैव पोर्ड 1 लीटर ऑफ वाटर इन अ जार एंड यू हैव ट्रांसफर्ड द सेम वाटर इन टू एन अदर जार, सो दैट 1 लीटर विल रिमेन द सेम। यानी इसकी जो वॉल्यूम होगा वो उतना ही रहेगा, चाहे वो जार में हो, चाहे वो दूसरे कंटेनर में हो, चाहे वो किसी ग्लास में हो, ठीक है? सो दैट इज़ कॉल्ड एज द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। इनडेफिनिट शेप मीन्स लिक्विड शेप इज़ नॉट फिक्स्ड बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस। गैसेस नीदर अ डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, मीन्स इट्स शेप इज़ इनडेफिनेट, इट टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर वेयर एवर इट इज़ फिल्ड। मस्ट बी श्योर दैट द कंटेनर शुड बी क्लोज, बिकॉज गैसेज हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। वेयर एवर यू विल फिल द गैस, इट विल एक्सपेंड, यानी वो फैलेगी और वो पूरी के पूरे जार की स्पेस कलेक्ट कर लेगी, पूरी की जो पूरे जार की स्पेस फिलअप कर लेगी। एंड वेयर एवर यू विल पोर द गैस, इट विल कंप्रेस एज वेल। अगर कोई छोटी जगह पे आप गैस को फिल करेंगे तो वो छोटी जगह पे भी फिल हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कंप्रेशन यानी कि सिकुड़ने की भी सलाहियत होती है। तो इसका मतलब हो गया इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं हो सकता होता। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिकली प्रॉपर्टी कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से। सो दीज आर दी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, विच इज़ प्रेजेंट अराउंड अस। सो देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट अराउंड अस विच वी यूजली सी, दैट इज़ वुड, स्टोन, कार, कॉफ़ी, वाटर फिल्ड बाकेट,
cylinder filled with gas. So these are the things that are present around us, which we usually see are the matter. Even you, me, everything around us, the pen, pencil, book, the tablet which we are using is an example of matter. So what is not a matter? क्या चीज़ मैटर नहीं होती? बेसिकली एनी टाइप ऑफ एनर्जी और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ समथिंग दैट इज़ नॉट मैटर. किसी भी तरह की एनर्जी या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ख्याली, कोई भी ख्याली कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपकी थॉट्स, जो आपकी सोच है, इमोशंस, लव, अफेक्शंस, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट्स. ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सिर्फ ख्याली तसव्वुराती चीज़ें हैं. जो ख्याली तसव्वुराती चीज़ें हैं, दीज आर नॉट मैटर. एंड इवन द एनर्जीज आर नॉट मैटर, लाइक साउंड, टाइम, हीट, ग्रेविटी, दीज ऑल आर एनर्जीज. सो एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इज़ नॉट अ मैटर. So the question arises, what makes up a matter? क्या चीज़ें matter बनाती हैं? So basically the elements are the substances that make up matter. Pure substances that cannot be broken down into other substances by a chemical reaction are called as elements. Elements pure substances होते हैं जो कि किसी भी chemical reaction में दूसरे substance में नहीं break होते, इन्हें elements कहा जाता है. Few of the examples of elements are carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, phosphorus, sodium, calcium, potassium, iodine and chlorine. These are the common known elements which we usually see and which we usually use in our daily lives. Out of 114 elements, I have discussed only few here. So till to this date, 114 elements have been known. An element is a substance that is made up entirely of one type of atom. अब एलिमेंट किस चीज़ से बने हुए होते हैं? एक टाइप ऑफ एटम से. तमाम के तमाम मैटर कंसिस्ट करता है एलिमेंट्स पे, और एलिमेंट्स कंसिस्ट करते हैं एटम्स पे. सो व्हाट इज़ एटम? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटे ज़र्रे को कहा जाता है एटम. अब ये एटम्स कंबाइन होते हैं. व्हेनेवर दीज एटम्स कंबाइन, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल. यू कैन सी देयर इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम. व्हेनेवर टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन, सो दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल. सो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम जॉइंड टुगेदर. जब ग्रुप ऑफ एटम एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल. और यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट विद दिस डेफिनेशन. एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन अ पेयर, एनी ग्रुप ऑफ एटम विच इज़ प्रेजेंट इन अ पेयर, इट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल. जब पेयरिंग में एटम मौजूद होते हैं तो वो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. एंड दीज मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड. व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्ड टुगेदर, सो दे फॉर्म अ कंपाउंड. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट मॉलिक्यूल्स एंड एटम, वेन एवर दे कंबाइन, सो दे फॉर्म अ कंपाउंड. सो व्हाट मेक्स अप अ मैटर? मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम. एटम जो जॉइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल एंड एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड. वेन एवर मॉलिक्यूल एटम्स और एटम एटम कंबाइन, सो दे फॉर्म अ कंपाउंड. इन कंपाउंड मेक श्योर दैट द एलिमेंट शुड बी डिफरेंट. लाइक इन वाटर यू कैन व्यू अवर हेयर, वन एटम इज ऑक्सीजन एंड देर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सो वेन एवर दे ऑल कंबाइन, सो दे फॉर्म अ water. This water compound can also be called as molecule. The reason why it is called as molecule is that the things are present in pair. And I have told you that whenever thing, any atom or group of atom is present in a pair, so it is considered to be a molecule. Always remember one thing, that all compounds are molecule.
बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड. तमाम कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल कह सकते हैं लेकिन हम मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड नहीं कह सकते. मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स. वेन एवर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बिटवीन सिमिलर एलिमेंट्स सो दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स एंड वेन एवर दे आर फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स सो दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स. This is all for this lecture. Jazakallah.